2500 ਕਾਹਦਾ ਖਰਚਿਆ ਯਾਰ ਇਲਾਜ ਕਰੇ ਗਰਦਨ ਹੀ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਲ ਬਣਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਦਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਓ ਯਾਰ ਆਜਾ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज उमर सलीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवैस बिन इनाम, जो कि एक मशहूर फिजियोथेरेपिस्ट और एक कायरोप्रैक्टर हैं। उनकी क्लिनिक में हम मौजूद हैं जो सत्याना रोड पर वाकया है। और आज इनकी ज़िंदगी का हम सबसे टफ केस इनको देने जा रहे हैं और सबसे सख्त मरीज इनको देंगे। इनको पता चल जाएगा, बड़े मशहूर हैं, आपने अक्सर इनको टीवी पे देखा होगा, डिफरेंट प्रोग्राम्स में देखा होगा, लेकिन आज इनकी तमाम जो एक्सपीरियंस है वो पता लगेगा। आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? चैलेंजेस आर इन लाइफ, हमेशा से इसके लिए रेडी रहते हैं आप। लाइए सख्त मरीज अपना। मरीज हाजिर किया जाए। हमने मिलाप करवा दिया है डॉक्टर का, तबीब का और मरीज का, तो अब ये जाने और ये जाने। डॉक्टर साहब, ये हैं वो सख्त पेशेंट जिनकी मैं बात कर रहा था। मुझे तो ये नरम नरम नहीं, नरम सा तो है। चले, लेट्स हैव द फन, लेट्स टॉक अबाउट योर हिस्ट्री। नहीं, मैं पेस्ट्री नहीं खाता। ओ भाई, हिस्ट्री दी गल हो रही है। हिस्ट्री ताड़ी कोई खतो खताबत करिए ताड़ा खतो खताबत वो तो मैं घर छोड़ आया ओ भाई ना अरे चलो लेजी डॉक्टर साहब, आपके हवाले शुरू करें। वैसे उमर भाई, हम ना वैसे इंसानों का इलाज करते हैं, चैलेंज तो मुश्किल है, लेकिन हमने आपके कहने पे ले तो आए, करते हम सिर्फ इंसानों का इलाज है भाईजान। किस तरह? आप फरिश्ते का भी इलाज करके देखें। तुसी केड़े के पास हो फरिश्ते हो? मैं मौत दा फरिश्ता। तुसी मौत दा फरिश्ते जान कितना कट दे हो वैसे? अगर कुत्ते बह गए, कुत्ते बह गए, यानी कि मैं हर इंसान की जिहड़ी ना ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬਜ਼ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਆਪਕਾ? ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਗਰਦਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਗਰਦਨ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਲੱਭ ਲਓ, ਲੱਭ ਲਓ, 2500 ਕਾਹਦਾ ਖਰਚਿਆ ਯਾਰ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਗਰਦਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਹਲੀਆਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਘਰ ਤੁਸੀਂ? ਇਲਾਜ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜਾਮਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਗਰਦਨ ਹੀ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵਾਲ ਬਣਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਦਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਤੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਚਨਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਨੇ ਗਿਣ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ ਚਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਲਿਖਦਾ ਵਾਂ? ਓ ਭਾਈ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮਾਫ ਕਰੋ। ਓਏ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਓਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ, ਗਰਦਨ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਗਰਦਨ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਬੜਾਈ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਝੁੱਕ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗਰੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਰੂਰ ਵੈਸੇ? ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਹੀ ਲਿਆ ਭਾਈ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਝੂਟਾ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਆ ਜੇ, ਆਪਕਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਚਲੋ, ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ। ਇਹ ਚੱਦਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪਹਿਲੇ ਥੱਲੇ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਲਮੇ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਨਕਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਇਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜੀ ਸੀ ਸਟਿਫਨੈਸ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਉਸਕੋ ਮੈਨੇਜ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਆਪ ਰੈਡੀ ਹੈ ਕਿਆ? ਕਾਇਰੋ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਸੇ ਭਈ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਬਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਰੱਖੇਗੇ ਯਾਰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੰਦਾ ਹੂੰ। ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸੇ ਪਕੜਤਾ ਹੂੰ, ਆਪ ਐਸਾ ਕਰੇ। ਆਪ ਕਿਉਂ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਪਕੜਨਾ ਹੈ ਆਪ? ਔਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ,
मैंने नहीं करवाना कुछ भी, बाद में जाए तुम्हारी फिजिक थेरेपी। ओ भाईजान जुत्ती यार मेरी गाल सुनो, मेरी गाल सुनो भाई यार, कुछ नहीं करने बस एक मिनट आई तो सही है, मैंने नहीं करवाया यार, आजा कुछ नहीं होता, पैसे वापस ले ले, आजा 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 यार, मैं नहीं करवाना यार, आजा कुछ नहीं, कुछ नहीं होता, मैं तुम कहने कुछ नहीं होता, मैं यार मैं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं यार, चलो आओ चलो, कुछ नहीं शेख साहब तनु मेते तो बाहर है कि नहीं है, मेरी गाल सुनो, मेरी गाल सुनो भाई, जद बाहर नहीं है मेते तो बाहर, अगर तुम मेते दोबारा ना, मैंने डॉक्टर साहब दोबारा, डॉक्टर साहब माशाल्लाह पूरे फैसलाबाद के सबसे एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं और बहुत सारे टीवी शोज में भी आ चुके हैं और बिल्कुल ऑनेस्ट मशवरा देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं जिससे इनको फायदा हो, एक भी बंदा इन्होंने अपने यहाँ पर मेडिकल रैप का नहीं घुसने दिया अपने क्लिनिक में, ठीक है, वही दवाई रिकमेंड करते हैं जो कि मरीज को जरूरत होती है, तो डॉक्टर साहब कायरो ना करें इनकी, इनको वैसे ही आप बता दें कि इनके जो नेक के मिसाइल हैं, जो हमारी यूथ के आजकल नेक के मिसाइल हैं, हम कैसे उनसे निपटा जा सकता है, तो फाइनली हमारी देखें बहुत वजूहात हैं हमारे सामने, बहुत मोबाइल यूज़ होना, कंप्यूटर का यूज़ होना, उससे गर्दन को नीचे को झुकाना, जिस तरह हम गर्दन झुकाई जाते हैं हमारा वज़न बढ़ता रहता है और इसको हम टेक्स्टिंग नेक सिंड्रोम कहते हैं, तो इससे बचना चाहिए, हमें अपनी गर्दन को सीधा रख के काम करना चाहिए, मोबाइल को ऊपर कर लेना चाहिए, और कमर के लिए हमारे मसले मसाइल होते हैं, जब हम कमर की दर्द के साथ आते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे कमर के पट्टे हमारी कमर को सहूलत नहीं दे पा रहे, तो हमें उसके लिए उसकी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, और हम रिकमेंड करेंगे कि आप अपने करीबी किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को मिले ताकि वो आपके पोस्चर एवेल्यूएशन, ये किस तरह बैठना चाहिए और कैसे करना चाहिए, आपको सारी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, उसके मुतालिक गाइडलाइन। ये मोटापा भी इसमें कुछ है वजूहात? माजरत के साथ जी, मोटापा भी एक बीमारी है और उम्मल अमराज भी इसे हम बोलते हैं, कि ये बहुत सी वजूहात आपके साथ लेके चलता है, मसलन वज़न का भर जाना, और आप ज़मीन से कोई चीज़ उठानी हो तो आपको उठाते हुए अपना ही जिस्म कई दफ़ा इंजरी कर जाता है, तो हमें अपने वज़न को भी काबू करना चाहिए। थैंक यू सो मच। और दूसरा डाइट के बारे में बताइए कि क्या डाइट भी इम्पोर्टेंट है हमारे जो मसले मसाइल हमारे पट्ठों के हैं उसके लिए? बिल्कुल जी, डाइट जिस तरह एक मुतवाजन गज़ा हमें चाहिए, हम एक मुतवाजन गज़ा के साथ रहें जिसमें प्रोटीन का हिस्सा भी हो, कार्बोहाइड्रेट का भी हिस्सा हो, और थोड़ा सा चनों का भी हिस्सा हो, चनों में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो नाज़रीन ये थे हमारे साथ डॉक्टर अवैस बिन इनाम, जो कि माशाल्लाह बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, अगर आपको इनसे कंसल्ट करना है तो मैं इनका नंबर नीचे दे दूंगा, आप इनसे फ़ोन पर रब्ता कर सकते हैं, कोई भी मसला है ये ऑनलाइन भी कंसल्ट करते हैं, आप इनके क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं, ये जो स्टैना रोड पर आइडियल बेकरी के पास इनका क्लिनिक है, और शेख साहब से तो आप वाकिफ़ ही हैं, शेख साहब ने आज हमारा बड़ा ज़बरदस्त साथ दिया, थोड़ा घबरा गए लेकिन कोई बात नहीं, इंसान है, वैसे इनको वैसे मैंने बताया है घबराना नहीं है। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसा ही अगर आप कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।